नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु श्रीपथरिया। अपने उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरों पर। आज उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वस्थ उत्तराखंड की ओर से बढ़ते कदम कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी वर्चुअली तौर पर जुड़े। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा 180 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया। इस योजनाओं में रुद्रप्रयाग, नैनीताल और पौड़ी जिलों में 50-50 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास किया गया, तो वहीं देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज में 500 बेड की नई बिल्डिंग का भी शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का धन्यवाद किया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया जी का, कि उन्होंने लगातार जहां कोरोना महामारी के समय में हमारे प्रदेश के अंदर वैक्सीनेशन से लेकर तमाम स्वास्थ्य सुविधाओं का, ऑक्सीजन प्लांटों के निर्माण से लेकर तमाम अवस्थापना सुविधाओं का उन्होंने लगातार हमारे प्रदेश की चिंता करी और अच्छा इस्टेब्लिशमेंट हमारा हर क्षेत्र में हुआ। वहीं चारधाम यात्रा के लिए भी उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य पर होने वाली जो सुविधाएं हैं वो केंद्र के स्तर पर और स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर लगातार उनको प्रदान करेंगे। इसके साथ साथ आज 182 करोड़ की योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास भी किया है, जिसमें श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, हल्द्वानी और दून मेडिकल कॉलेज का न्यू ब्लॉक है उसके निर्माण के लिए भी उन्होंने धनराशि दी है। और उनकी जो अपेक्षाएं राज्य सरकार से, राज्य सरकार लगातार उस दिशा में काम कर रही है और मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत सस्ती हुई हैं। उस क्षेत्र में बहुत सारी योजनाएँ आई हैं, चाहे आज वो हमारे जन औषधि केंद्रों के रूप में सस्ती दवाएँ देने का काम हो या आयुष्मान भारत योजना लाकर देश के संपूर्ण नागरिक को स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक तरह से गारंटी देने का काम किया है, उसका लाभ सभी को मिल रहा है और उत्तराखंड के अंदर विशेष रूप से दूर दराज इलाकों तक हम स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने के लिए कृत रूप से संकल्पित हैं। और उसको लेकर जहां अनेकों योजनाएँ हम राज्य सरकार के स्तर से कर रहे हैं, वहीं हमने 207 प्रकार की जो पैथोलॉजिकल जाँच है उसको भी मुफ्त रूप से करवाने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आज 182 करोड़ रुपये की योजनाओं का विधिवत भूमि पूजन हो गया है। अपने मुख्यमंत्री जी का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस बार बजट में काफ़ी पैसा हमको मिला है। इस बार दो बड़े काम हमारे राज्य में होने जा रहे हैं। पहला तो यह है कि गर्भवती महिलाओं को घर से हॉस्पिटल लाना और हॉस्पिटल से घर तक छोड़ना, ये पहले योजना थी। अब हम इसमें और चीज़ ऐड कर रहे हैं कि जितनी गर्भवती महिलाएं हैं उनके प्रसव होने से पूर्व एक हफ्ता पहले हम उनको हॉस्पिटल में लेके आ जाएंगे या होटल में लेके आ जाएंगे या कोई भी उचित स्थान हो, ताकि समय पे उनका जो है पूरा। ऋषिकेश में हरिद्वार रोड स्थित एक गार्डन में राजस्थान दिवस का कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। राजस्थान संघ समिति की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जनपद पौड़ी के जिलाधिकारी आशीष चौहान रहे। उन्होंने समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम की जमकर प्रशंसा की और कहा कि समाज को संगठित करके और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए समिति ने जो कार्यक्रम आयोजित किया है वह सराहनीय है। जिलाधिकारी ने कहा कि गढ़वाल में रहकर आज राजस्थान के संस्कृति को जो देखने का मौका मिला है वह उनके लिए यादगार रहेगा। मौके पर राजस्थान संघ की ओर से जिलाधिकारी को राजस्थानी पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने तस्करों से शराब तस्करी का एक नया तरीका अपनाया है। हालांकि नया
हालांकि नया तरीका भी तस्करों ने को उनके मसूबे में कामयाब नहीं हो सका। बता दें कि रानी पोखरी थाना पुलिस ने एम्बुलेंस में शराब की पेटियों के ऊपर मरीज बनकर लेटी महिला तस्कर को उसके 3 साथियों के साथ गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 20 पेटी शराब पुलिस ने बरामद की है। मामला आधी रात का है, जब राजधानी देहरादून की ओर से खाली पड़ी सड़क पर सायरन बजाती हुई एम्बुलेंस को शक होने पर रानी पोखरी थाना पुलिस ने चेकिंग के लिए रोक लिया। पूछताछ करने पर ड्राइवर डर गया और वह पुलिस के सवालों का सही से जवाब नहीं दे सका। तलाशी लेने पर शराब की पेटियों पर लेटी महिला को किनारे किया तो पुलिस शराब तस्करी के इस नए तरीके को देखकर दंग रह गई। मामला का खुलासा जनपद देहरादून के SSP दिलीप सिंह कुंवर ने किया। इसमें ऐसा है कि कल रात 12:30 बजे के लगभग रानी पोखरी थाने अपने थाना गेट के सामने बैरियर लगा के चेक कर रहे थे वाहनों की जी। उस समय एक एम्बुलेंस जो है, एक ओमनी जो एम्बुलेंस है UK04K1463, इसमें ये एम्बुलेंस रानी बजाते हुए आ रही थी। इनको शक हुआ जब रोड खाली है, कोई ट्रैफिक है नहीं, बहुत कम ट्रैफिक है, साइन बजाने का कोई मतलब है नहीं, तो उनको शक के आधार पर उन्होंने एम्बुलेंस को रोका। रोकने पर जो है एक महिला शराब की 20 पेटियों के ऊपर लेटी हुई थी, उसको चादर बिछा करके लेटी हुई थी, और जब चेक किया तो वास्तव में इसमें शराब मिली, देसी शराब है। और ये देहरादून से जो है रानीपुर क्षेत्र के आगे उस क्षेत्र में जो है भेजने जा रहे थे। इसमें 4 अभियुक्त हैं, बेसिकली सब ये ऋषिकेश के रहने वाले हैं, और इसमें एक रवीना भट्टनागर महिला है। इसके खिलाफ जो है 7 तो आबकारी के मामले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया उत्तराखंड दौरे पर है। उन्होंने चमोली जिले के मलारी बेस कैंप में ITBP के जवानों से मुलाकात की। ITBP कैंप में रुकने के बाद आज शुक्रवार को उन्होंने जोशीमठ नरसिंह मंदिर में भगवान के दर्शन किए और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। मलारी भ्रमण के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री वापस देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें दून मेडिकल कॉलेज के 500 बेड क्षमता के अस्पताल और ECRP 2 एवं प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 3 जनपदों श्रीनगर, रुद्रप्रयाग और नैनीताल के लिए स्वीकृत 50-50 बेड के 3 क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास किया। वहीं अल्मोड़ा पहुंचे कांग्रेस वरिष्ठ नेता पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा ने उत्तराखंड सरकार के एक साल नई मिसाल पर निशाना साधा और कहा कि धामी सरकार जो जश्न मना रही है, क्या सरकार प्रदेश के UK SSSC, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों का जश्न मना रही है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, बेरोजगारी अपनी सीमा से पार है, ऐसे में प्रदेश की सरकार जो जश्न मना रही है वो प्रदेश की जनता के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है। किस उपलब्धि को अपना मान रही है? क्या UK SSSC में जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में जो भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, पेपर लीक पे, मेरे ख्याल से जश्न इसी बात का मनाया जा रहा होगा। नहीं तो जश्न ऐसी क्या चीज़ थी? मुख्यमंत्री धामी जी ने जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, चुनाव के समय उन्होंने कहा था 24,000 पद रिक्त हैं इस प्रदेश में, हमारी सरकार आते ही हम इसको भरेंगे। एक साल पूरा हो चुका है, पदों को भरने की तो प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, हर छत टपक गई। आपने कहा कि अधिनायक चयन आयोग में बहुत भ्रष्टाचार है, हम इसको इससे भी मजबूत हमारे पास संस्था है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है उससे करेंगे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की क्या कहते हैं हालत होगी, वहाँ भी सारे पेपर लीक हो गए। मैं अल्मोड़े में ही यहाँ के छात्रों का ज्ञापन देख रहा था कि जो छात्रवृत्ति अभी तक अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को अल्मोड़े जेल के अंदर नहीं मिली है। महंगाई पर कोई लगाम नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है, डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं,
तो जश्न किस बात का मनाया जा रहा है? तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि अगर कोई उपलब्धि है इन एक साल की, भ्रष्ट तंत्र को और मजबूती से। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर नजर डालेंगे खबरों पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है, नजर डालते हैं खबरों पर। खबर उत्तराखंड के चमोली से है, जहां पोखरी के ब्लॉक सभागार में जिला अध्यक्ष मुकेश नेगी के नेतृत्व में कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह भरा। वहीं पूर्व लोकसभा प्रत्याशी मनीष खंडूरी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी डर गई है और अग्निवीर और अंकिता भंडारी जैसे ज्वलंत मुद्दों को सुलझाने के बजाय सरकार ने युवाओं पर लाठी बरसाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सड़क से सदन तक हमेशा आवाज उठाती रहेगी। तो ये बैठक भी हमारा जो यात्रा है उसका जो राज्यों में जो हम चला रहे हैं हाथ से हाथ जोड़ रहे हैं उसका एक हम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। किस तरह से जो भारत जोड़ो यात्रा है सीखती हुई दूसरा ब्लॉक कार्यकर्ता ही पार्टी की पहचान है और चुनाव हो चाहे कोई भी पार्टी का कार्यक्रम हो बिना कार्यकर्ताओं के पार्टी कभी उभर नहीं सकती है। मैंने विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव तमाम जितने भी छोटे मोटे चुनाव देखे मैंने जब चुनावों में कार्यकर्ता लगा रहता है भूखे प्यासे रात दिन करके वो लगा रहता है तब अहमियत का पता चलता है कि कार्यकर्ता क्या है। इसलिए हमारी रीढ़ की हड्डी है और हम चाहेंगे हर बूथ तक हमारा कार्यकर्ता बने, हर बूथ लेवल तक हम कार्यकर्ताओं को बनाना चाहते हैं। वन बूथ नगर निकाय चुनाव को लेकर हम बहुत उत्साहित हैं। हमारे बहुत ऊर्जावान कार्यकर्ता जो टिकट के चाह रहे हैं चूँकि हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और सबसे ज़्यादा उम्मीदवार हमारे पार्टी में होते हैं और निश्चित तौर पर पार्टी चयन करेगी, सर्वे करेगी और जो बेहतर उम्मीदवार होगा जो जीतने की क्षमता रखेगा निश्चित तौर पर उसको टिकट दिया जाएगा। बाकी सभी लोग राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है जिसके चलते उत्तराखंड कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि आज देश के जो हालात है खास तौर से जो लोकतंत्र की हत्या समय समय पर की जा रही है इसके लिए कांग्रेस बड़ा प्रोग्राम चलाएगी। उन्होंने कहा कि षड्यंत्र के तहत भारत में लोकतंत्र का गला दबाया जा रहा है। बता दें कि 8 अप्रैल के बाद कांग्रेस एक मुहिम चलाने जा रही है जिसमें बीजेपी के 29 सांसदों ने जो हेट स्पीच दी है उन सबके खिलाफ कांग्रेस मुहिम चलाएगी और सबके खिलाफ तहरीर दी जाएगी। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी को उनके बारे में बताने के लिए पत्र लिखेगी। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 12 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच दिल्ली में जो सभा होगी उसमें उत्तराखंड शामिल होगा। सदस्यता खत्म होने के बाद कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे जिसके चलते उत्तराखंड कांग्रेस ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि आज देश के जो हालात है खास तौर से जो लोकतंत्र की हत्या समय समय पर की जा रही है इसके लिए कांग्रेस बड़ा प्रोग्राम चलाएगी। उन्होंने कहा कि षड्यंत्र के तहत भारत में लोकतंत्र का गला दबाया जा रहा है। बता दें 8 अप्रैल के बाद कांग्रेस एक मुहिम चलाने जा रही है जिसमें बीजेपी ने 29 सांसदों ने जो हेट स्पीच दी है
उन सबके खिलाफ कांग्रेस मुहिम चलाएगी। उत्तराखंड में बीजेपी लगातार अपने संगठन और जनप्रतिनिधियों में जोश भरने और पार्टी की रीति नीति के संबंध में ट्रेनिंग देने का कार्य करती रहती है। इसी क्रम में संगठन स्तर पर सभी जिलों के जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष समेत सभी कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद अब विधायकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण होना है, जिसके लिए संगठन स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस संबंध में बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि 8, 9 और 10 अप्रैल को राजधानी देहरादून में पार्टी के सभी विधायकों के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा वर्चुअल रूप से मार्गदर्शन किया जाएगा और शिविर में पार्टी की रीति नीति और केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुँचाने और आगामी चुनाव की रणनीति को लेकर राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष समेत वरिष्ठ नेताओं के द्वारा मार्गदर्शन किया जाएगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर अपने कार्यकर्ताओं को, अपने हमारे जो जीते हुए प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि आते हैं उनको लेकर के हमेशा प्रशिक्षण देने की एक प्रक्रिया रही है। उसी के तहत हमारे चाहे हमारे मंडल में के कार्यकर्ता हों, चाहे जिले के हों, चाहे प्रदेश के पदाधिकारी, इनके प्रशिक्षण शिविर पहले पूर्व में ही हमारे प्रदेश में उनको प्रशिक्षण दे दिया गया है। इसके बाद हमारे जो जनप्रतिनिधि विधायक गण हैं, विधायकों को प्रशिक्षण शिविर लगाने की योजना है और 8, 9, 10 अप्रैल को देहरादून में ही 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगने वाला है, जिसमें हमारे केंद्र नेतृत्व द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा। इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, उनका भी इसमें मार्गदर्शन मिलने वाला है और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय बीएल संतोष जी का। देश के साथ ही उत्तराखंड राज्य में भी महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ रखी है। अप्रैल के वित्तीय वर्ष 2023-24 शुरू हो जाएगा और नए वित्तीय वर्ष से लोगों को कई चीजों पर और ज्यादा जेब ढीली करनी होगी। उत्तराखंड में 1 अप्रैल से बिजली, पानी, टोल टैक्स, सफाई शुल्क समेत तमाम लोगों को महंगाई का झटका लग सकता है, जिसके चलते अब विपक्ष ने बड़ी महंगाई पर केंद्र और राज्य सरकार को घेरने का काम शुरू कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने महंगाई को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि केंद्र और राज्य सरकार गरीब जनता को मिक्सी की तरह पीस रही है। लोग परेशान हैं लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है, जो कि गंभीर है और कांग्रेस लगातार इसका विरोध करती रहेगी। दर बढ़ रही है और बिजली के दर फिर 13% बढ़ गए, किस तरीके से? बिजली के दाम जो है 13.2 बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार ने दिया है। बिजली नहीं, समय गैस के दाम बढ़े हैं, पेट्रोल डीजल के दाम आप देख ही रहे हैं, खाने की खाद्य सामग्री के दाम देख लीजिए, सब्जी के दाम देख लीजिए, फल के दाम देख लीजिए, हर चीज़ इतनी बढ़ा दी है कि गरीब आदमी का जीना मुहाल हो गया है। और ऐसा लगता है कोई सरकार नहीं, कोई जूस निकालने की मशीन राज्य में लग गई है, देश में लग गई, जो गरीबों का खून पसीना निचोड़ के पी जा रही है। इस राज्य में जो ऊर्जा प्रदेश है ये बहुत ही गंभीर मामला है। यहाँ 2 ऐसी कंपनियों को सैकड़ों करोड़ रुपए की भुगतान सरकार कर रही है, जिनसे पिछले वर्ष 1 यूनिट बिजली भी नहीं ली गई, जिसके सबूत हमारे पास है। और उस जो 100 करोड़ या 200 करोड़ जो भी वो रकम है उसको गरीब के सिर से निकालने की कोशिश सरकार कर रही है। करण महरा इस बात को लगातार कह रहा है, सरकार इसमें अपनी सफाई क्यों नहीं दे रही, उनका संगठन, उनका कोई प्रवक्ता, उनकी उनके मंत्री इस पर कोई बात क्यों नहीं करते, क्यों डर रहे हैं? आइए ना बात करिए, क्यों जनता से आप उस पैसे की वसूली कर रहे हैं जो आप फ्री में ऐसी कंपनीज को दे रहे हैं? कई राज्यों के उदाहरण मेरे पास है जिन्होंने इन कंपनियों के ऐसे MAUs को खत्म करने का काम किया है, राज्य के आर्थिकी को नुकसान पहुंचा रही है सरकार। मेरे साथ खबरों में बस इतना ही, देश विदेश की तमाम और अहम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ANB News के साथ। नमस्कार।